मध्य प्रदेश में अधिक वर्षा होने के कारण ऊपरी इलाकों में बने बांधों के गेट खोले गए, जिसे लेकर नर्मदा नदी उफान पर है। आज धार जिला कलेक्टर पंकज जैन, कुक्षी एसडीएम सहित पूरे अमले ने नर्मदा क्षेत्र का दौरा किया। वहीं पर कोटेश्वर घाट पर लगी हुई दुकानों को वहां से हटाया गया। आज हरियाली अमावस्या के चलते भारी भीड़ नजर आई, जहां पर कलेक्टर पंकज जैन ने बताया कि ऊपरी इलाकों में अधिक वर्षा होने के कारण नर्मदा का जलस्तर बढ़ा है और अधिक वर्षा से नर्मदा का पानी बढ़ने की संभावना है और कितना जलस्तर बढ़ सकता है। ये अभी चूँकि जो बारिश का अभी सिचुएशन है, नर्मदा के अपस्ट्रीम में काफ़ी अभी बारिश हो रही है, जिसके कारण बांध पे रोकने से जल स्तर जो बढ़ रहा है उसके संबंध में आज दौरा किया है। और चूँकि अभी और जलस्तर बढ़ने की आशंका है और जो हमें घाट है उसमें सुरक्षा बनाए रखनी है, इसको देख के दौरा किया है। और SDRF की टीम भी यहाँ तैनात है। आज कोटेश्वर तीर्थ में भी जहाँ हम हैं यहाँ भी SDRF की टीम तैनात है, तो सुरक्षा की पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है। सर, कितना जलस्तर बढ़ने की संभावना है? अभी तो बारिश पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, क्या बारिश होती है अपस्ट्रीम में।